हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग चेक करते हैं। ये देखिए, 4s + 1 अपॉन अंडर रूट 2s² + s - 3 दिया हुआ है। इसे हमें इंटीग्रेट करना है और सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में देखिए 2s² + s - 3 है। अगर इसे हम m मान ले और फिर इसे डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4s + 1। ये कॉन्स्टेंट था तो 0 हो जाएगा, ये हमारा dm हो गया। अब इंटीग्रेटेड फॉर्म में हमें क्या निकालना था, 4s + 1 अपॉन अंडर रूट 2s² + s - 3 ds, ये हमें इंटीग्रेट करना था। तो ये पूरा आप देखिए, ये पूरा क्या हो गया, dm हो गया। ds तो जगह पे ये पूरा हमारा dm हो जाएगा। ज़्यादा हम लोग इस पूरे, ये तो अभी s के टर्म में है, s के टर्म में हम इसे m के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये पूरा dm हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dm। ठीक है, अब नीचे की बात करते हैं तो अंडर रूट, ये पूरा तो हमने m ले लिया था तो अंडर रूट m हो जाएगा। तो ये तक, अब इसे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ m⁻¹-2 dm। क्लियर है, अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद क्या आ जाएगा, m⁻¹-2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 हो जाएगा इंटीग्रेटेड। इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म ये हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख पा रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं तो अब इसे सॉल्व करते हैं तो m⁻¹² हो गया और नीचे डिनोमिनेटर को सॉल्व करें तो ये 1/2 हो गया। ये 1/2 जो है, ये 2 जो है ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2m⁻¹² जो कि हो जाएगा 2√m + c। अब m का जो भी वैल्यू था वो हम सबसे चूट कर देते हैं, यहाँ पे हमने m की वैल्यू लेट दी थी तो वो हम वापस डाल देते हैं तो 2√2s² + s - 3 + c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देखिए, s + 2 अपॉन √s² - 1, ये हमें दिया हुआ है, हमें इसे इंटीग्रेटेड फॉर्म में सॉल्व करना है। तो ये आप देख लीजिए, हम लोग अगर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूमिनेटर को देखिए 1/2 × 2s + 2 अपॉन अंडर रूट s² - 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट ही हो जाएगा, हमारे पास बचेगा s + 2 ही, और s + 2 ही यहाँ पे है भी तो लिखने में तो दिक्कत नहीं है। तो इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ये ब्रेथ करते हैं इसे, मतलब ब्रेथ ऐसे करेंगे, ये पूरे तो ए साथ ले लेते हैं और फिर ये पूरे तो ए साथ ले लेते हैं। अभी आप देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1/2 बाहर आ गया, वन इसमें से इंटीग्रेशन ऑफ 2s अपॉन अंडर रूट s² - 1 ds प्लस ये 2 जो है ये अंदर ही रह लेते हैं, 2 अपॉन √s² - 1 ds ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ देखते हैं, दोनों में s² - 1 s² - 1 है तो हम लोग s² - 1 जो है वो लेट कर लेते हैं तो एक बार में एक ही इटरेशन तो ले सकते हैं। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं फिर इसे सॉल्व करेंगे, तो अभी इसे इटरेशन तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने s² - 1 तो हमने t लेट कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2s × ds हमारे पास dt आ गया। क्लियर है, अब आप देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2s√s² - 1 ds हमारे पास दिया हुआ था, ये 1/2 ऐसे ही रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 2s ds तो यहाँ पे 2s ds तो यहाँ पे हम लोग dt लिख सकते हैं अपॉन √s² - 1, तो s² - 1 तो t लिख सकते हैं तो ये √t हो गया। क्लियर है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो 1/2 इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, t⁻¹-1/2 dt है नहीं। अब इसे जब सॉल्व करें तो 1/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, t⁻¹-1/2 + 1 अपॉन −1/2 + 1 आएगा या नहीं आएगा, सॉल्व कर रहे हैं अभी तो 1/2 t⁻¹ जब ये होगा तो ये 1/2 −1/2 + 1 तो 1/2 हो जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ और ये भी 1/2 हो जाएगा। ये 1/2 जो है इसका 2 ऊपर आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो 1/2 2 इसका ऊपर आ गया t⁻¹-1/2 2 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ गया √t।
क्लियर है, अंडर रूट टी, और टी हमने अभी लिया था एस स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा, तो अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस वन, ये हमारा इक्वेशन थ्री हो गया। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व किया था, अब हमें इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब उस इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं, तो दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या था, टू अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस वन डी एस, तो टू बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस वन डी एस। अब ये बताइए इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, फॉर्मूला से तो याद आ रहा है, बिल्कुल आप तो एकदम सही लग रहा है, टू लॉग मॉड एस प्लस अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस वन, ये फार्मूला मैंने फार्मूला वाले वीडियो में पढ़ाया है अच्छे से, मैं पिछले वीडियोज में ही बार बार बता चुका हूँ, अगर आप तो अभी तक फार्मूला नहीं याद हुआ तो आप मेरे फार्मूला वाले वीडियो पर जाइए और फार्मूला याद करिए, वो पुट करने में आप तो आसानी होगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन थ्री एंड फोर इन टू, पुट इन इक्वेशन थ्री एंड फोर इन टू, हम इक्वेशन थ्री और फोर का जो भी वैल्यू आया है उसे इक्वेशन टू में डाल देंगे। आप बोले सर इक्वेशन टू कौन सा था, इक्वेशन टू हमारा कौन सा था, तो इक्वेशन टू यही मान लो यार, यही इक्वेशन टू था, इस पूरे तो जगह पे हम लोग थ्री डाल देंगे और इस पूरे जगह पे फोर डाल देंगे, ठीक है। देखो हमारे पास मेन हमारा दिया हुआ इक्वेशन था एस प्लस टू अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस वन डी एस। अब इंटीग्रेशन हमने किया था इस पूरे पार्ट, ये क्या था, ये चौथे है, चौथा था, तो चौथा तो यहाँ लिख देता हूँ, टू लॉग मॉड एस प्लस अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस वन, और तीसरा हमारे पास आया था अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस वन, तो अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस वन, ये हमारा तीसरा था और ये हमारा चौथा, और यही हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 था। उम्मीद करता हूँ आप तो समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे मेल तक करो, कोई दिक्कत नहीं है।